हाँ हो जिन कह लगी सबद की चोट बंधन तोड़ चले सारे रजिन कह लगी सबद की चोट बंधन तोड़ चले सारे रजिन कह लगी सबद की चोट बंधन तोड़ चले सारे देखा कि वो प्रहलाद भगत जिसके पिताजी हिरण्यकश्यप जो कहता था कि मेरे से बड़ा भगवान नहीं है, भगवान मैं हूं, मेरी नगरी में मुझे छोड़ करके कोई और किसी को भगवान नहीं मानेगा, उसी का पुत्र प्रहलाद राम के नाम पर डट गया और उसने भरोसा कद होया। वो कुम्हार नगरी में घूम रहा था प्रहलाद, कुम्हार और कुम्हारी आवे के पास में बैठे रोन लाग रहे। अब प्रहलाद ने पूछ लिया कि रो क्यों सो, निबुला और रो रहे और राम का नाम जप रहे, निबुला रो क्यों सो। कहने लगे कि क्या करे, एक पाप हो गया। पाप के हो गया? बोले एक मटके में बिल्ली के बच्चे थे और वो ध्यान नहीं रहा हमारा और वो मटका इस सावे में लाग गया। अरे विस्ते आंच देती एक तरह से, अब वो ये बासण तो पक जाएंगे लेकिन वो बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे। तो फिर बोला इलाज भी के है, राम का नाम क्यों रटन लाग रहे हो। बोले बचा से कैसे, तो यो ही बचा देगा, नौहर कोई बचा नहीं सकता, यही बचा सकता है। प्रहलाद कहने लगा कि अगर ऐसा हुआ और आपके राम में ये ताकत है कि ये बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे इस आहवे में, तो मैं भी राम को ही मान लूंगा। अब आवा पक जाता है और कुम्हार प्रहलाद को बुला लेता है कि राजकुमार राजा, वो देखते हैं भगवान की ताकत, राम की ताकत। और
वो एक एक करके मटके निकालते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, और एक मटके में बिल्ली के बच्चे जिंदे मिले। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। प्रहलाद को भरोसा हो जाता है कि वो इसे देख लिया जब ते नाम नजारा, देख लिया जब ते नाम नजारा, राजा प्रहलाद ने राम प्यारा, राजा प्रहलाद ने राम प्यारा, देख लिया जब ते नाम नजारा, राजा प्रहलाद ने राम प्यारा। सारे हरण रे कुछ का खोट बंधन वो चले साथे, दिन कह सकी सबत की चोट बंधन छोड़ सले सारे, रजिर कह लगी सबत की चोट बंधन तोड़ सले सारे। चाली सच्ची सूरत हरी महलाली, सच्ची सूरत हरी महलाली, तज के सबरी घर ने चाली, सच्ची सूरत हरी महलाली। वो सबरी आपने रामायण की कथा सुनी होगी, बेर तोड़ तोड़ के राम के नाम पे चक चक कदया करती, आ कद मेरे राम आओगे और मेरे हाथा के ये बेर खांगे, मने दर्शन दे के जाएंगे। राम के नाम पर डटी रही, देखो कैसे किस तरह से विधान बदलता है। माँ सीता को रावण उठा करके ले जाता है, उससे पहले रामचंद्र जी को वनवास मिलता है, और फिर सीता जी को ढूंढने के लिए उसकी तलाश में जब राम लखन जंगल में भटक रहे थे, तो वहां चित्रकूट धाम पर सबरी को भगवान राम के दर्शन होते हैं। बोलिए जय श्री राम। ये राम के नाम की बात है। सच्ची सूरत हरी महलाली, सच्ची सूरत हरी महलाली, तज कह सबरी रे घर न जाली, तज कह सबरी घर न जाली, सच्ची सूरत हरी महलाली, तज कह सबरी महलाली। देखी राम लखन की चोट बंधन तोड़ चले सारे, दिन कह लगी सबत की चोट बंधन तोड़ चले सारे, रजिन कह लगी सबत की चोट बंधन तोड़ चले सारे। दादा धोड़ा ने मी कर के रोका रे भगतो पल छन में, दादा धोड़ा ने मी कर के रोका रे भगतो पल छन में। नंद कसाई, नंदा भगत वो नंद कसाई, तजगी में तरकी नाम तमीरा बाई, तरकी नाम तमीरा बाई। नंदा भगत वो नंद कसाई सभी, उसका भी चर्चा सुनी होगी आपने, नहीं सुनी? क्या हुआ कि उस कसाई के घर में भगवान कृष्ण पहुंच जाते और एक साधु पहुंच जाता है। यू मान लीजिए ने बोला भाई तू मने न्यू सुनी है मांस का काम करे है, बोला हाँ।
तो बोला भाई हम भी भोजन खावांगे। बोला मेरे घर पे और साधु और भोजन है? ना ना ना, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोला रे बावड़ा, धर्म भ्रष्ट तो तेरा होगा जो हम ना करते टा होगा। हम कमा उस जानवर का मांस लेकर हम खावांगे। ने बोला अच्छा फिर बोलो ले। ने बोला एक काम कर, ईसा जानवर है वो, कि उसके सिर पे तो मोर का पंख है, गड़ में वैजंती माला है और पीला रंग है, सांवड़ा चेहरे का कलर है, कानों में कुंडल है। उस जानवर ने लिया, हम तेरे घर पर भोजन कर लाए। नंद गसाई बोले भाई जानवर तो कशुता है बता दिया, लेकिन जहां सु जंगल में, अब जंगल में ढूंढने लगा सजनों कित पाओ। कृष्ण जी का नाम ले दिया, अब वो कहां मिले उनको, सारे देख लिया कितने नरे नरे ढाल के जानवर दिखाई दे, लेकिन जो जैसा बताया था वैसा उसको दिखाई नहीं दिया। शर्मा गया, काली मान गया, माड़ा मन हो गया कि भाई साधु बैठे पाऊंगे मैं घर क्यों कर जाऊंगा, एक काम करो इब तो मन मरना पड़ेगा, क्योंकि बेशक कसाई हूं लेकिन सतपट डटना जानो हूं, मेरा भी मैं भी घरबारी हूं, मेरा पाप लाग जाएगा जो साधु घर तो भूखे चले गए और उनका भोजन मने मिला नहीं, मेरा जीना कुछ नहीं। और ये कह करके भगवान का नाम ले दिया। ने बोले ले भाई भगवान इब तू ही से मैं मरना कर, और एक पेड़ के नीचे जैसे पीपल का पेड़ है ऐसे कमर लगा करके बैठ कर अपने तीर मारने लगा। ऊपर नजर गई, भगवान कृष्ण ने भी सोच ली मरेगा तो कोई बचाना पड़ेगा, क्योंकि सत्य है बेशक कसाई हो। डाला पर नजर गई, भगवान कृष्ण बैठे दिखाई दिए, वैसा ही रूप, मोर का पंख, सांवड़ा कलर और वस्त्रों के पीले कपड़े, कानों में कुंडल, वैजंती माला, हाथ में मुरली। ने बोला ओ हो रतनक बड़ा घुमाया हूं, आजा तेरे चक्कर में तो घूमू था। और पेड़ पर चढ़ जाता है, भगवान की तो माया थी कि जा था कि थे बैठा रहा, पकड़ ले गया और जाके साधवा तो ने बोला लो ले आया हूं यही होगा ने। और उनकी आंख पट्टी की पट्टी रह गई। भगवान, इस भगवान के दर्शन करने के लिए हम तपस्या कर कर मर लिए, हमने दिखाई नहीं दिया। ने बोला ये कृष्ण महाराज इस कसाई का हाथ क्यों कर ला गया, हम तो नहीं सोचा था इसने कित पाओगा, कसाई ना भगवान मिलेगा। ने बोला रे करूं के कति उरा आ लिया था, सत पे इतना डट गया, मेरे तो रुकिया नहीं गया, दर्शन देना पड़ा। बोलिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। धन्ना भगत वो नंद कसाई, धन्ना भगत वो नंद कसाई, धन्ना भगत वो नंद कसाई, धन्ना भगत वो नंद कसाई। नाम ते तेर की रे मीरा बाई, नाम ते तेर की रे मीरा बाई, नाम ते तेर की मीरा बाई, नाम ते तेर की मीरा बाई। धन्ना भगत वो नंद कसाई, नाम ते तेर की मीरा बाई। दर्शन के दूल्हा की चोट बंधन तोड़ चले सारे, जिन पे लगी सबद की चोट बंधन तोड़ चले सारे, जिन पे लगी रे सबद की चोट बंधन तोड़ चले सारे, जिन पे लगी सबद की चोट बंधन तोड़ चले सारे, जिन पे लगी रे सबद की चोट बंधन तोड़ चले।